In the previous episode, we had talked about how creation happened, how the whole structure of universe came into existence. And in that episode, we talked about the consciousness. And we also talked about the center of consciousness. This is the center of consciousness which is the real cause of the whole creation. The whole existence came into being because of the centralization of this consciousness. Although consciousness in itself is vast, there is no center in it, essentially. But the moment center is created, the whole existence comes into being. Today, we will talk about creation at all levels, from the subtlest level to the grossest level of the creation. Sharma ji, aaj aap hume creation ke bare mein bataiye ki ye jo puri existence hai, jo puri srishti hai, jiske hum kendra hain, jo hamare consciousness hai, jo chetna hai, wo kendra hai. Ji. Jaise ye chetna kendrit hoti hai, तो ये ब्रह्मांड का जन्म होने लगता है, पूरा सिस्टम इससे जन्मता है. तो क्रिएशन के बारे में सूक्ष्मतम लेवल से, सूक्ष्मतम रूप से, और जो प्रेजेंट स्थिति है जो पूरे ब्रह्मांड की और हमारी सारी, ये पूरा समझाइए. ये जो जीव आत्मा की पहले बात चल रही है कि जीवात्मा के बारे में जो पिछले समय में बताया जा चुका है कि जीवात्मा जब अपने अंगों से, दो उसके अंग हैं, तो दो अंगों के आत्मा और परमात्मा, इनके माध्यम से वो जब किसी चीज़ की भी क्रिएटिंग करती है तो उसमें चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. कि एक तो उसके अंदर गति चाहिए, दूसरा उसके अंदर शब्द चाहिए, तीसरी उसके अंदर अंडे के अंदर जो दो चीज़ें होनी चाहिए कि अंडे के अंदर में सूक्ष्म में जो जीव हैं, जीव किसी भी साकार में और निराकार में वो होल बनाने चाहिए, छिद्र बनाने चाहिए, उन छिद्रों के माध्यम से वो उनमें प्रवेश करने चाहिए. तो दो चार चीज़ों की बहुत मुख्य ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए जी. तो ये क्रिएट करने के लिए, इनको आप दूसरे तरीके से अगर कहें तो ये आपके गुरुत्वाकर्षण हो गए और नेगेटिव पॉजिटिव उसकी दो साइड एनर्जी हो गई. तो ऊपर नीचे और नेगेटिव पॉजिटिव साइड मिला करके ये फोर चार्ज बनते हैं चीज़ें. तो अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो ये भी ठीक है, और आध्यात्मिक योगिक साइंस से देखें तो आत्मा परमात्मा की जो स्थिति आपस में मेल मिलाप करके और बना रही है, तो उनकी क्रिएटिंग यहाँ से जब वो स्टार्ट करते हैं, परमात्मा स्टार्ट करता है अपनी गति को, तो जो गति स्टार्ट करता है उसी वक्त एक शब्द होता है, और उस शब्द को का जो नियम है वो अलग अलग तरीके का है. क्योंकि वो जिस वक्त स्टार्ट करता है ऊपर से नीचे की ओर, तो उसकी जब सेंटर अंडे में आता है तो वहाँ पर उसकी पावर बहुत तेज होती है, तेज गति होती है. तो तेज गति में जब जिस वक्त होता है वो, तो उस वक्त उतनी ही शक्तिशाली वस्तु पदार्थ का इस ब्रह्मांड में क्रिएटिंग होती है, क्रिएट होता है, उसको क्रिएट करता है वो. मीन्स तो, जो शर्मा जी, जो पूरा क्रिएशन है, जो सृष्टि हो रही है, ब्रह्मांड हो रहा है, ये उस चेतन शक्ति की गति पे निर्भर है सारा. जहाँ पे गति बहुत तेज है वहाँ अलग टाइप की क्रिएशन है, वहाँ अलग टाइप. जहाँ पे गति स्लो है वहाँ अलग टाइप की क्रिएशन है. हाँ, अलग टाइप की, अलग अलग टाइप की क्रिएशन है. हाँ, नाना प्रकार. मीन्स उसकी गति सारी चीजें तय कर रही है, गति सारी, चेतन की गति तय कर रही है सारी चीजें.
जी गति शक्तिशाली उसकी शक्ति तय करती है कि इसमें कितनी शक्ति है। जैसे शक्ति का पता तो गति से लगेगा ना। हाँ गति से जी, गति से शक्ति का पता चलता है। जैसे तत्व हैं महा, जिन तत्वों की मुझे सूक्ष्म में जरूरत पड़ती है वो महान तत्व हैं। जैसे तत्वों के हमने तत्वों को देवता मान लिया है कि भाई ये तत्व जो हैं जिनकी मुझे हर समय जरूरत पड़ती है, तो ये जो तत्व हैं ये उस स्थिति में वहाँ पे शक्तिशाली स्थिति में ये तत्व स्थित हैं जी। मगर हम उस शक्तिशाली तत्व में हम स्वयं स्थित नहीं हैं, क्योंकि हम नीचे की ओर जहाँ परमात्मा अपनी मोड़ लेता है वहाँ अपनी गति धीरे करता है और वो मुड़ता है, हमारी स्थिति वहाँ है। तो जब हमारी स्थिति वहाँ है तो हमारी दोनों की शक्ति में अंतर आता है। हमें बड़े की जरूरत पड़ती है कि मुझे आपसे कुछ शक्ति चाहिए, इसलिए वो हमें हमारा अनुभव नहीं आते जी, जी। देवी देवता हैं या बड़ी शक्तियां हैं जहाँ पे चेतना गति बहुत तेज है, ठीक है, तो वो हमारे अनुभव से बाहर छूट जाती है वो। हाँ वो हमारे अनुभव में नहीं आते, क्योंकि हम उस सृष्टि के हिस्से हैं जहाँ पे चेतना की गति स्लो है। स्लो हम उसके हिस्से हैं जी, जी हम उसके हिस्से हैं और हम वहीं पर से हमें जो जरूरत पड़ती है, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, जिन तत्वों की, जिन शक्तियों की, जिन देवताओं की, उनके हमने नाम रख लिए हैं कि ये फलाने देवता हैं, ये फलाने देवता हैं। देवता का अर्थ होता है देने वाला जी, तो जो दे रहा है वो देवता है। तो अगर अग्नि मुझे गर्माइश दे रही है, हमें जल ठंडक दे रहा है, वायु हमें सांसें दे रही है, ये हमारे लिए देवता हैं। अब इनकी देवताओं की पूजने के अपने ढंग हैं, लोगों के अपने अपने तरीके हैं जो शास्त्र के द्वारा बनाए गए हैं, जो अपने पंडितों ने बनाए, मगर शास्त्र में किसी भी देवता की सही गणना जो की गई है, अगर आत्म तत्व ज्ञानी अगर उसकी व्याख्या करेगा तो वो सटीक आएगी, और अगर अनुमान वाला कोई भी व्यक्ति उसकी व्याख्या करेगा तो वो कहीं और ले जाएगा, कहीं और ले जाएगा, जिससे हमारा संसार में एक व्यापार बिजनेस चले और लोग उससे प्रभावित हो जाएं, डर जाएं और हमें कुछ दे जाएं, ये अलग एक चीज़ें हैं। मगर जहां हम तत्व ज्ञानी है जी, वो तत्व किसी को प्रभावित करने के लिए, डराने के लिए नहीं होते हैं, वो तत्वों को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं कि ये मेरा तत्व है, इसकी हमने सुरक्षा करनी है। अगर हमने इसके संग छेड़खानी करी तो प्राकृतिक में विरोधाभास शुरू हो सकता है, जिसके हम शिकार हो सकते हैं जी। तो ये एक चीज हम सात्विक उसके अंदर आ रही है, तो सात्विक जहाँ साइंस ही जो बात कर रही है वही हमारा योगिक साइंस बात कर रही है। तो ये जो सिस्टम है हम धीरे धीरे जब हम क्रिएट करते हैं तो हम हमारे अंदर जो केंद्र बना करके जब हम क्रिएटिंग करते हैं तो जगत को हम वन बाई वन करके सब चीज़ों की क्रिएट करके अपने अंदर धारण करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, और उपयोग करके हम अपने को ये चीज तय कर लेते हैं कि मेरे जो सूक्ष्म स्थिति केंद्रित हुई थी क्या उसमें इतनी मजबूती आई है, उसमें इतनी सक्षमता आ गई है कि मैं कुछ दिखने लगा हूँ, कुछ हुआ है जी। तो जो अपने होने की स्थिति मजबूत कर रही है वो चेतन शक्ति, वो इन तत्वों के आधार पर, शक्ति के आधार पर, शब्द के आधार पर, ये जो चेतन शक्ति है ये कहीं बाहर से नहीं, के वो अपना ही माल है उसका जी। वो अपनी ही सारी ताकत है जो वो बाहर से, ऐसा लग रहा है कि हमने कोई बाहर से ली, बाहर से नहीं, बाहर तो हमने स्थापित की है, स्थापित की है चेतन ने कि ये देखिए स्थापित भी जो की है, ये मेरा ही अपना एक अंग है जी। मेरा ही ये चेतना का ही एक चेतनता, उसका ये प्रकाश है। मगर हम जहाँ पर ये जगत की, जगत को क्रिएशन करते हैं और ये करते हैं, अपने को मजबूत करते हैं, अंततः हम अपने जगत की इतनी फैलावट फैला लेते हैं कि हम अपने को खूब बड़ा प्रमाणित करने के लिए कि देखो मेरा दायरा कितना बड़ा है, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ जी, तो मेरी अपनी स्ट्रॉन्ग देखिए, मेरी मजबूती आप देखिए कितनी पावरफुल मैं हूँ, तो ये जो दिखाते हैं ये मेरी अपनी जो चेतना, हमारी जीव आत्मा जिस वक्त सिकुड़ती है वो एक पॉइंट है, और जब फूलती है तो उसका दूसरा पॉइंट है, दोनों जब फूलती है तो जगत फैलता है, तो जगत हम क्रिएट करते हैं, तो हम जगत को फैला के क्रिएट करते हैं और फिर हम उसका उपयोग करते हैं
तो जगत को हमने फैलाया, अब मगर अगर कोई ये हमसे कहने लगे कि नहीं 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 जगत तो सूक्ष्म में है, तो हम एक कदम पीछे आते हैं और सिकुड़ने वाली पॉइंट पे आ जाते हैं कि यहाँ पर जगत सूक्ष्म में स्थित है कंप्लीट। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो एक जीवात्मा का जो जीवन है वो उसका फैलाव है जी, और जो मृत्यु है वो दोबारा अपने दूसरे अपने केंद्र पे आना है, वो अपने केंद्र पे वापस केंद्र पे वापस, फिर वो फैलेगा। हाँ, फिर उसका जन्म होगा, फिर फैलेगा, फिर मृत्यु होगा, फिर होगा। तो ये जो फैलना और सिकुड़ना यही कह रहे हैं आप? हाँ, ये जो फैलना और सिकुड़ना ये चेतन की प्रक्रिया है, चेतन की प्रक्रिया। तो जी, मूल से आप कोई जगत की चीज मूल से कोई हटा के नहीं रख सकते, क्योंकि ये मूल जो है जीव का, ये उसकी उसका चेतना की चेतन्यता है, अर्थात सूरज की धूप है जी। तो सूरज को देखने के लिए आपको धूप का माध्यम बनाना पड़ेगा, तो ये जगत आपको ऐसा माध्यम बनाना पड़ेगा कि ये जगत से अपने सूक्ष्म शरीर में अपने आत्मा में किस तरीके से अनुभव आ सकते हो। और जब हम आत्मा को जगत हम निर्माण कर लेते हैं तो हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, हमें स्वरूप हमारा याद नहीं रहता कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और किस चीज़ से हमने स्टार्ट किया था, वो सब चीज़ें हमारे अप्रत्यक्ष हो जाते हैं, प्रत्यक्ष जगत होता है जी। तो चाहे अविद्या जो है ये कह लिया जाए कि ये जगत एक अविद्या है, अगर ये जगत अविद्या है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्या जैसी चीज अविद्या से प्रकट हुआ है, अविद्या से प्रकट होता है जी। प्रकट होता है, और ये जो विद्या से है ये स्वरूप में स्थित होता है, स्वरूप में स्थित, स्वरूप में स्थित होता है। तो ये जो जगत की इस तरीके की रचना जो हमने रची है जी, ये कंप्लीट ब्रह्मांड में रचते हैं, और कंप्लीट ब्रह्मांड की हर चीज को हम संबंध साध करके रखते हैं, उनका उपयोग करते हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ जो है हम मनुष्य योनि को जैसे कहा गया है कि उसकी ज्ञान इंद्री सारी पूरी की पूरी है, कंप्लीट काम कर रही है, कर्म इंद्री पूरी कंप्लीट काम कर रही है। अगर किसी की कर्म इंद्री कोई अपंग है या कोई कॉमा में है या उसकी ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री नहीं काम कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उसकी दूसरी इंद्री प्रबल होती है जी। जब एक इंद्री अप्रत्यक्ष होती है तो उसकी दूसरी इंद्री प्रबल हो जाती है, उसमें ताकत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ताकत उसकी डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए हमारे मनुष्यों में ये चीज़ पाई जाती है। मगर दूसरे जीवों में अगर एक ही इंद्री वाले भी जो है प्रबल एक ही इंद्री के होते हैं, तो वो जीव ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो एक ही इंद्री प्रबल होते हैं, दूसरी इंद्रियां उसमें सूक्ष्म काम करती हैं। तो ये जगत नाना प्रकार का है, ये नाना प्रकार जगत हमने ही बनाया है और हमने ही इसे धारण कर लिया है, इसलिए हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं और जगत हमारे प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष। अच्छा, एक और प्रश्न था जी, आपने कहा कि जो देवी देवताओं का निर्माण है वो एक अलग स्थिति है चेतना की, है ना, जब चेतना बहुत गतिमान होता है जी, जब हाईएस्ट गति होती है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी शक्तियाँ बड़े बड़े केंद्र होते हैं और उसी के अनुसार सबकी स्थिति होती है और उत्पत्ति होती है। तो और जब वो चेतना की जो गति स्लो होती है जहाँ पे चेतना मोड़ खा रही है जी, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी स्थिति है। हाँ, वहाँ हमारी हमारे जैसे ब्रह्मांड की और हमारी स्थिति हमारी वहाँ पर, तो उन देवताओं का प्रभाव यहाँ तक आता है, जैसे अग्निदेव हैं वायुदेव हैं, उन देवताओं का प्रभाव यहाँ तक भी है? हाँ, क्योंकि जो देवता हैं वो जिन्हें हम देवता कहते हैं, जिन्हें हमने सुप्रीम तत्व कहते हैं, वो सेंटर में हैं, सेंटर में, वो एक अंडे के बाहरी साइड में एक सेंटर में हैं और हम उस अंडे के अंदर हैं, इसलिए अंडे के अंदर होने की वजह से हम उस बाहरी ताकत से प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो बाहरी ताकत है तो, और हम भी वहाँ अंडे के हम या बॉटम में हैं, हम स्थूल में हैं तो नीचे चले जाते हैं, बॉटम में चले जाते हैं, नीचे वाले धर उसमें तल में रहते हैं, और जब हम निराकार में होते हैं तो हम हल्के होते हैं ऊपर वाले, मगर परमात्मा की शक्ति इतनी हल्की है, इतनी गतिमान है कि उसके सामने हमारी जीभ, हम जीव हैं, हमारी जीव की कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो बहुत तीव्र गतिमान है और उसके अधिकार क्षेत्र में ही हम जो है अपनी गति धारण करते हैं। तो ये हम अंडे के अंदर हैं, वो अंडे के बाहर है, वो हमारा सुप्रीमो है। तो ये जो गति दे, इनके भी अपने एक केंद्र होते हैं, किसी भी देवता का अपना एक केंद्र होता है, वो केंद्र से एक हो सकता है, अनेक केंद्र हो सकते हैं,
और इनके इनके केंद्रों पर भी ये केंद्रित होकर के फिर ये काम करते हैं। अगर ये भी कोई ये कहे जगत में कि बिना केंद्रित कोई चीज प्रमाणित हो रही थी, असंभव बात है, फार्मूला ठीक नहीं है जी। ये मेथड के तहत केंद्रित होना है और फिर उसके बाद में आप अपने को साबित कर सकते हो कोई आप हो जी जी। हाँ, तो आपकी मौजूदगी जब साबित होएगी जब पहले आप केंद्रित होएंगे जी जी जी। तो केंद्र में और फिर दो तरीके हैं उसमें कि अगर सूक्ष्म में है तो हम बोल देंगे हम मर गए, और अगर हम बोल दें कि हम जिंदे हैं तो जी हमारा तो सारा व्यापक में है जी। तो हमारा तो संसार है सारा जी। तो ये चीज है उसमें, ठीक है। सो इन द नटशेल वी कैन से दैट दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस विच क्रिएट्स एवरीथिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएशन depends upon the strength of this concentration of the consciousness. The stronger it is, the higher or you can say the subtler kind of existence comes into being. For example, the creation of deities, all the devi and devatas, they are created when the strength of consciousness is very very strong. Strength in the sense their speed is very very high somewhere during their movement, and when its movement gets a little slower, where the human beings like us, animals, plants, okay, they are created, right? So the different types of creation, different types of existence comes into being by virtue of different strength of the different strength of the concentration of consciousness. So we can say that this is consciousness which creates everything. Whatever is there in the existence, it is only due to the concentration of the consciousness. When there is no concentration in the consciousness, then nothing can be created. Thank you.